हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? तो बेटा, ये हमारा लास्ट चैप्टर है सेवन स्टैंडर्ड का, केमिस्ट्री का। तो जो टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, अपने सिक्स स्टैंडर्ड में भी एक सेम चैप्टर नेम था नेचुरल रिसोर्सेज, जहां आपने पढ़ा है एयर वाटर लैंड के ऊपर, जिसमें हम एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर पढ़ा है। इवन एटमोसफेयर के डिफरेंट लेयर्स भी हमने उसमें देखे हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। और इफ यू वांट टू रिवाइज दैट चैप्टर, तो आप मेरे हमारे चैतन्य एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है, उसमें सिक्स स्टैंडर्ड के सेक्शन में आप जाके वो लेक्चर वापस सुन सकते हैं। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, आई विल सेंड यू द लिंक, तो सो दैट यू हैव दिस कनेक्टिविटी इज देयर। क्योंकि इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज में मोर हम मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिथोस्फेयर में जो मिनरल्स मिलते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आपका मैरीन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली द फर्स्ट दिस चैप्टर स्टार्ट इज लाइक, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल रिसोर्सेज? ऑब्वियसली जो हमको नेचर से मिलता है ना, उसमें सॉइल आएगा, उसका एयर आएगा, वाटर आएगा, तो ये आप सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है। और गिव सम एग्जांपल्स। सो वी गेट मेनी सब्सटेंस फ्रॉम नेचर, दे सेटिस्फाई ए वैरायटी ऑफ आवर डेली नीड्स। सॉइल आ गया, स्टोन आ गया, मिनरल, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स ऑन द अर्थ आर ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन इसने बताया क्या नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। सो मैंने आपको बोला था, अभी हमारा जो मून फोकस है वो लिथोस्फेयर पे है इस चैप्टर में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज मेंट बाय लिथोस्फेयर? सो नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, जो क्रस्ट है उसी को ऑब्वियसली ऑन द टॉप और बीनीथ इज नोन एज लिथोस्फेयर। सो व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर इन द अर्थ क्रस्ट? सो लेट्स स्टार्ट। सो द अर्थ लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ लैंड एंड हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट। ये आप देखेंगे जब आप खोदना शुरू करते हैं या कहीं पे बोरवेल बना रहे होंगे, आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो बहुत स्ट्रांग होता है, यू नो, रॉक्स आना शुरू कर दिए नीचे से, बिकॉज ऊपर तो लैंड रहता है, यू नो, मिट्टी रहती है, बट नीचे हार्ड क्रस्ट क्यों होता है? क्योंकि नीचे रॉक्स रहती हैं, स्टोन्स रहती हैं हमारे अर्थ लेयर के नीचे। सो द लिथोस्फेयर इज नॉट होमोजीनियस, बट इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। और ये रॉक एक टाइप नहीं है, अलग अलग टाइप के रॉक्स रहते हैं। सो रिसोर्सेज ऑन द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड मिनरल्स, ओर मिनरल ऑयल, अदर फ्यूल, रॉक्स, वाटर एंड एलिमेंट्स। ये हमको हमारा अर्थ क्रस्ट में से मिलता है। क्या मिलता है हमको? मिनरल्स मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं, और मिनरल ऑयल मिलता है, एंड अदर फ्यूल्स मिलते हैं, जो हमको पेट्रोल, डीजल, और नीचे से हमको मिलते हैं, इवन ओशन के क्रस्ट के नीचे से हमको ये सब पेट्रोलियम मिलता है, रॉक्स, वाटर एंड एलिमेंट्स। सो दिस इज अबाउट द अर्थ क्रस्ट। सो लेट्स गो मोर डीपर। जैसे मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मोर फोकस ऑन मिनरल्स एंड देयर ओर्स। सो मिनरल्स एंड ओर्स। सो मिनरल वेल्थ हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स। सो दीज मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग। तो बेसिकली जो मिनरल है वो बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ है हमारे लिए, है कि नहीं? जैसे अगर आप देखेंगे, इवन मैक्सिमम टाइप ऑफ जो हमको इंपॉर्टेंट जैसे मिनरल्स, मेटल्स जो मिलते हैं हमको, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब कहाँ से मिलता है? एक्चुअली हमको अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, वहाँ ओर के फॉर्म में ये होता है, उसको हम फिर रिफाइन करते हैं, यू नो, उसके लिए एक अलग पूरा चैप्टर है मेटलर्जी 10th स्टैंडर्ड में, उसको कैसे मिनरल ओर्स को हम कैसे यू नो प्रोसेस करते हैं ताकि हमको एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स मिले। तो इट्स अ बिग साइंस इटसेल्फ। सो जैसे ओनली फ्यू मेटल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम, बिस्मुथ अकर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब बेटा, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं, इसको कहीं से सेपरेट नहीं करना, ये आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। लेकिन बाकी ए मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, वो किसी के साथ मिक्स होते हैं, तो आप उसको निकालने के लिए आपको उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको अलग से निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नमक और पानी को मिक्स किया, अभी मुझे नमक वापस चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप उसको हीट करना पड़ेगा, पूरा वाटर इवेपोरेट करना पड़ेगा, तो आपको सॉल्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो मिनरल्स भी किसी कंपाउंड के मिक्स रहते हैं वो, तो आपको उसको पाने के लिए आप यू हैव टू फाइंड अ सेपरेट प्रोसेस टू गेट इट। तो मिनरल्स
दैट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। अभी देखिए बेटा मिनरल्स भी क्या टाइप का है, जिसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मेटल मिलेगा आपको, उसको हम क्या बोलते हैं ओर्स। सो इट इज इकोनॉमिकली टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ओर्स, इट इज इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ओर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर लस्टर हार्डनेस शेप लेंथ क्लेवरेज एंड फ्रैक्चर एंड स्ट्रीक्स। तो ये मिनरल्स को भी डिवाइड किया जाता है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली क्या हमने इसमें इसमें पढ़ा इस स्लाइड में, बेसिकली मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स और क्या है बेटा, जो कंटेन करते हैं प्रोपोर्शन हाईएस्ट प्रोपोर्शन मेटल, उसको हम क्या बोलते हैं ओर, वो भी मिनरल ही है लेकिन फिर उसको ओर बोलते हैं अगर उसमें क्या है हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मेटल है। तो मिनरल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मेटल्स हमको डायरेक्टली मिलता है जो फ्री स्टेट में, और वो एग्जांपल्स भी दिए हैं जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर। नो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड। सो दिस इज फ्यू हाउ द मिनरल्स आर फॉर्म्ड, दिस टेबल इज गिवन इन द बुक ऑल्सो। सो दिस इज योर एक्चुअली क्वेश्चन वन ऑफ होमवर्क, दिस टेबल यू हैव टू मेक नाइसली एंड राइट ऑल दिस पॉइंट्स। सो मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा, मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट एंड द लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ द वोल्केनोस व्हेन दे कूल एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू क्रिस्टल्स। तो बेसिकली जो वोल्केनो इरप्शन होता है उसमें ये ऐसे ऐसे लम्ब्स निकलते हैं और बाहर में जब ठंडे हो जाते हैं तो आपको ऐसा क्रिस्टल्स मिलते हैं जैसे मैग्नेटाइट मिक्का ये सब मिल रहा है। ये पहला एक तरीका है कि मिनरल बनता कैसे है। फिर मिनरल्स आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन प्रोसेस से भी मिलता है हैलेटाइट जिप्सम। सो मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर ड्यू टू द लार्ज चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर से भी। जैसे जो कार्बन है उसमें जब बहुत हाई प्रेशर क्रिएट भी होता है तो उसमें डायमंड बनता है और ग्रेफाइट तो वॉल्केनो से बनता है, और सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन होते हैं जब यू नो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से, उससे भी आपको मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में भी आपको मिनरल्स क्रिएट होते हैं, और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक कॉन्च शेल फॉर्म टू द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। सो ये शेल भी एक मिनरल है, लेकिन ये आपको कैसे मिल रहा है, ये आप डायरेक्ट लिविंग एंटिटी से आपको मिलता है। सो दिस इज हाउ डिफरेंट मिनरल्स आर फॉर्म्ड। अभी इनका क्लासिफिकेशन है मिनरल्स का अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे नॉन मेटल मिनरल्स, उसमें माइका आ गया, सल्फर आ गया, जिप्सम पोटाश ग्रेफाइट डायमंड फिलिस्फर आ गया। फिर मेटल मिनरल्स जिसमें मेटल की मेटल होगा उस मिनरल्स में, तो वो आयरन आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बॉक्साइट, मतलब प्योर फॉर्म में आपको मिल रहा है। फिर एनर्जी मिनरल्स है कोल मिनरल ऑयल गैस। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तीन टाइप के मिनरल है आपके पास, एक नॉन मेटल मिनरल है, मेटल मिनरल्स है और एनर्जी मिनरल्स है। एनर्जी मिनरल्स में बेसिकली आपका फ्यूल आता है, मेटल मिनरल्स में अगर आप देखेंगे ये आपका जो एलिमेंट्स है वो आते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स में नॉन मेटल जैसे आता है। सो दिस इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो जैसे ये भी आपको जिम्स एंड जिम लाइक मिनरल्स, सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड रूबी फायर एमराल्ड यू नो जेम्स आर ग्रेट डिमांड, दिस इज ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड। ये भी कुछ मिनरल्स हैं, ये यूज किया जाता है डेकोरेशन के लिए। और ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है यहाँ पे, डिपॉजिट ऑफ कॉमन सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ, दिस सॉल्ट कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इट इज यूज टू फाउंड एंड इज सम मेडिकल प्रोपोज। अगर आप देखें इसका पहाड़ है पूरा, हम जो सादा नमक सेंद्रा नमक बोलते हैं उसका पहाड़ है बहुत बड़ा, इट्स अ माउंटेन, सो इट्स वी आर गेटिंग दैट रॉक सॉल्ट, इसलिए उसका नाम रॉक है फ्रॉम देयर। और ऑब्वियसली इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग माइंस दबंग वॉज फॉर्म इन 1926 टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ माइनिंग। और अभी अगर आप देखेंगे तो अभी तो पूरा एक मेटलर्जी इज ए बिग फील्ड, आप लोग जो भी क्लियर करेंगे IIT एग्जाम फ्यूचर में, इट्स ऑप्शन IIT, ऑल IITs हैव दिस मेटलर्जी एज देयर डिपार्टमेंट, इट्स अ बिग ह्यूज डिपार्टमेंट, इट डील्स विद ऑल दीज थिंग्स ओनली, ओर मिनरल्स हाउ टू प्रोसेस देम। सो दिस इज वाइड रेंज। सो लेट्स नो अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर ओर्स, क्योंकि हम मिनरल्स के बारे में इतना पढ़ तो रहे हैं। अभी हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने पहले क्या देखा अभी फॉर्मेशन कैसे होता है उसका, फिर उसका क्लासिफिकेशन अभी देखा, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर ओर्स, पहला है उसमें आयरन ओर। आयरन ओर अकर इन इम्प्योर स्टेट
इज कॉल्ड आयरन ओर. सो आयरन ओर इज यूज टू मेक ए वराइटी ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम पिन टू हैवी मशीनरी. ये तो आपको पता, आयरन हर जगह यूज होता है, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, रेल्स ऑफ रेलवेज ट्रैक्स. द फोर मेन ओर्स ऑफ आयरन आर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट एंड साइडराइट. दीज आर फोर आयरन ओर के जो है, जिसमें हमको आयरन मिलता है. दीज आर देयर ओर्स जहां से हमको उसको फिर एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो पहले, फिर दूसरा है मैगनीज. सो मैगनीज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, सिलिकेट एंड ऑक्साइड. कंपाउंड्स ऑफ मैगनीज आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिंस एंड फॉर गिविंग ए पिंक टिंच टू ग्लास. मैगनीज इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो पहला ओर जो इंपॉर्टेंट ओर है वो आयरन का ओर है. उसके चार टाइप हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और साइटराइट. फिर दूसरा जो ओर है वो मैगनीज का ओर है, और ये आपको किस फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट, सिलिकेट और ऑक्साइड, और इसको यूजेस भी बताए गए हैं. फिर तीसरा जो ओर है वो है बॉक्साइट. बॉक्साइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर फॉर एल्यूमिनियम. अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले, यू नो वी वर द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया. ऑब्वियसली अभी वी आर नॉट नाउ, बट वी वर. सो बॉक्साइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर. इट कंटेन्स 55% ऑफ एल्यूमिनियम. सो बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हीट. सो इट्स डेंसिटी इज लो, देयरफॉर इट इज यूज्ड मेनली इन एरोप्लेन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जैसे आयरन बहुत स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं. ये मैगनीज हम यूज करते हैं, जैसे आपने देखा टिंज ग्लास और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में. बॉक्साइड ओर है, इससे हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, और एल्यूमिनियम तो हर जगह यूज होता है आज. इवन घर के यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम के हैं, और प्लेन जो बनता है हवा में उड़ता है उसको, वो भी एल्यूमिनियम का. तो एल्यूमिनियम बहुत वाइड वेराइटी यूज हो चुका है अभी. और इसका जो ओर है उसको हम बॉक्साइड बोलते हैं, और जो मैग्नीज का है उसको वो, और फिर हमारा आयरन ओर है जिसके चार टाइप है जो हमने पढ़े अभी तक. फिर कॉपर है. लेट्स सी कॉपर का ओर. कॉपर इज फॉर्म्ड इन इम्प्योर स्टेट इन द विसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स. देखो जहां पे आयरन का ओर है ना, उसमें कॉपर भी कहीं ना कहीं मौजूद है. तो कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एज वेल एज रेडियोज, टेलीफोन्स, व्हीकल्स एंड फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज. तो कॉपर का स्टैचू अगर आप देखें, लिबर्टी का जो स्टैचू है वो एक्चुअली कॉपर का है. तो इतने बड़े बड़े स्टैचूज बनाए गए हैं, इट्स लाइक ऑल मेड फ्रॉम दैट, मेड फ्रॉम कॉपर. फिर माइका. माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ इट्स लेयर्स. माइका हैज मैनी यूजेस सच एज आयुर्वेदिक मेडिसिन, डाइज, इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. दिस इज अबाउट माइका. तो दिस इज ऑल अबाउट देयर डिफरेंट ओर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यूल. नो फ्यूल इज, व्हाट डू मीन बाय फ्यूल? फ्यूल मतलब जो आपको एनर्जी दे. जैसे आप गाड़ी के लिए, जैसे हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फ्यूल इज फूड, इजंट इट? सिमिलरली फ्यूल अपनी कार के लिए क्या है? उसके लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यू नो, उसके लिए फ्यूल वो है. सो इसलिए ये फ्यूल, उस फ्यूल की बात हो रही. सो विच natural resources do we use as a fuel? So various substances are used in day to day life for generating energy. These substances are fuel, jahan se aapko energy milta hai. So fuel all found in solid, liquid and gaseous states. So first jo solid state mein paya jata hai wo kya hai, wo hai coal. So abhi hum coal ka formation dekhenge, coal banta kaise. So millions of years ago forest got buried underground as a result of certain natural events. मतलब बड़े बड़े फॉरेस्ट क्या हो गए, जैसे कोई भूचाल आ गया या सुनामी आ गया, तो ये पूरा फॉरेस्ट जमीन के अंदर दफन हो गया. तो फिर क्या हुआ, लेयर्स ऑफ सॉइल केप्ट ऑन गेटिंग डिपॉजिट्स ओवर देम, और उसके ऊपर एक मिट्टी की पर चढ़ती रही. सो दिस वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम एबो एंड द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर स्लोली ट्रांसफॉर्म द ब्यूरिड प्लांट्स इनटू फ्यूल. कोल वॉज दस फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ दोज प्लांट्स, दैट इज वाई द कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. तो ये कोल का फॉर्मेशन बताया गया है, कैसे बनता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर से और अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा. जैसे ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है,
तो ये टाइम के साथ पूरा दफन हो गया इसके अंदर अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर, और फिर आपको हाई प्रेशर और हीट मिला कहां से, जमीन की क्रस्ट से, तब जाके हमको ये कोल मिलता है। तो कोल इज फाउंड इन माइंस, पीट, लिग्नाइट, ब्राउन कोल, बिटुमिनस कोल, एंथ्रेसाइट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोल। एंथ्रेसाइट इज द कोल ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। तो कोल के भी देखो चार टाइप्स हैं, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रेसाइट है, और उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से जो वेरिएशन है उसकी वजह से फिर आपको अलग अलग टाइप के कोल मिलते हैं। कोल इज इन ए वे ए स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, इट इज बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। कोल इज यूज एज फ्यूल, इट इज यूज एज फ्यूल इन ए थर्मल प्लांट, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहां क्या होता है, पानी को बॉइल गर्म किया जाता है, एंड देन द टर्बाइन इज रोटेटेड, दैट्स हाउ यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, एज वेल एज द रन बॉयलर्स एंड द रेलवे इंजन। आपने देखा होगा पुरानी कोई मूवीज, उसमें कोयला डालते हैं इंजन को, यू नो उसमें हीट क्रिएट होता है तो भाप बनता है, उससे वो इंजन चलता है पूरा। ऑब्वियसली अभी आजकल सब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है ट्रेन हमारा। सो कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन द किन ऑन द लार्ज स्केल। सो द गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस गैस एंड वाटर आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल। सो कोल एज ए एनर्जी रिसोर्स कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट। आज भी अगर देखेंगे बहुत सारे कोल माइंस है, कोल माइन सबसे ज्यादा बिहार में मिलता है, तो आज भी कोल का डिमांड है थर्मल पावर प्लांट्स में, जहाँ पे कोल का बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आप देखेंगे सो हाउ मेनी मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म, और ये एक प्रोसेस बताया कि फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल और गैस कैसे बनता है। जैसे अभी हमने देखा कोयला कैसे बनता है, वो एक अर्थ के ऊपर कोई फॉरेस्ट दफन हो जाता है, लेकिन ये जो है फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल का बनता है ये आपको सी के बेड के नीचे मिलता है। तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, कुछ मछलियां हैं या उधर प्लांट, वो ओशन के नीचे बुरी हो जाते हैं और उसमें अंडर प्रेशर और हीट से मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस बनता है। और ये है नेशनल इंस्टीट्यूट है द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको ONGCA बोलते हैं। ये 14 अगस्त 1956 में एस्टेब्लिश हुआ। इट्स फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ONGCA इज द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिसर्च एंड प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया। इट हेल्ड ऑफिस इन देहरादून जिसको उत्तराखंड में है। ONGC प्रोड्यूस 77% ऑफ क्रूड ऑयल एंड अबाउट 62% ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस इन इंडिया। ऑफ द 7 कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया ONGC हैज सक्सेसफुली एक्सप्लोर 6 को अभी तक हमने एक्सप्लोर किया है, 7 है, 6 में हमने एक्सप्लोर किया और वहां से हम निकाल रहे हैं नेचुरल मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस। सो अभी एक्चुअली मिनरल ऑयल क्या है, बेसिकली जो मिनरल ऑयल इज द लिक्विफाइड फ्यूल फॉर्मड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बुरीड अंडरग्राउंड। ये सेम चीज, ये लिक्विफाइड फ्यूल है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बुरीड कैसे होता है, अंडरग्राउंड होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बॉडीज ऑफ डेड सी ऑर्गेनिज्म सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, लेयर्स ऑफ सॉइल एंड सैंड कलेक्टेड ऑन देम। उनके ऊपर सॉइल और सैंड, सेम जैसे कोयला बना था ना, कोयला कैसे बना था, फॉरेस्ट पूरा भुई हो गया, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे डेड सी ऑर्गेनिज्म, मतलब मछली भी तो मरती है ना, तो मरती है तो वो सी बेड पे आ जाती है। तो वैसे बहुत सारे ऐसी डेड जो सी ऑर्गेनिज्म थे वो नीचे बॉटम पे सी पे बैठ गए और उसके ऊपर फिर लेयर बन गया, और फिर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द रिमेनिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वर ट्रांसफॉर्म टू मिनरल ऑयल, वो मिनरल ऑयल बन गया। सो द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स। मिनरल ऑयल इज फाउंड मेनली इन ऑयल सैंड सेल्स सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन एट द डेप्थ ऑफ 1,000 to 3,000 meters। सो मिनरल ऑयल इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। इट इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर। पेट्रोलियम इज मिक्सड विद मैनी कंपाउंड मेनली ऑफ द हाइड्रोकार्बन टाइप। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा उसमें रहती है। सो इट ऑल्सो कंटेन्स कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स एंड रिफाइंड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अदर कंपोनेंट्स। एविएशन पेट्रोल, गैसोलिन, डीजल, केरोसिन, नेफ्थलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। दे आर यूज एज फ्यूल एंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ डाइज, पेस्टिसाइड्स, फ्यूम्स, परफ्यूम्स और आर्टिफिशियल फाइबर। जो आपको परफ्यूम भी मिलता है वो भी इधर से ही निकलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल्स जो हमने पढ़ा। बेसिकली हमने क्या पढ़ा बेटा, मिनरल ऑयल के बारे में पढ़ा आज हमने, फिर हमने को मिनरल ऑयल कैसे बनता है वो देखा हमने,
और फिर हमने पढ़ा इवन कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर हमने फ्यूल कोल, और फिर हमने मिनरल ओर्स के बारे में पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल ओर्स। तो जो आपका होमवर्क है बेटा, आपका होमवर्क यही है, पहले हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है मिनरल्स का, फिर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आप लिखेंगे सब जो भी मैंने बताया, और उसके बाद आप फ्यूल के बारे में लिखेंगे, कोल इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरा डायग्राम बनाएंगे आप, और फिर आप एक बताएंगे मिनरल फॉर्मेशन, मिनरल ऑयल और मिनरल नेचुरल गैस कैसे बनता है, ये डायग्राम बनाएंगे आप, और ये पूरा आप मिनरल ऑयल के बारे में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम नेचुरल गैस के बारे में भी देखेंगे, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर भी क्लोज खत्म हो जाएगा, उसके साथ आपका 7 का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो यू टेक द टाइम, आई एम गिविंग यू 2 डेज, बट एवरी डे यू हैव टू सबमिट होमवर्क, आई एम गिविंग यू 2 डेज बट एवरी डे यू हैव टू सबमिट होमवर्क, सो इफ एनी डाउट और एनी क्लेरिफिकेशन यू कैन कॉल मी एंड क्लेरिफाई योर डाउट। सो हरे कृष्णा, जय हिंद।